तो हे गाइस, दिस इज इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय मैकेनिकल सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने बाइक में एलईडी लाइट को किस तरह से इंस्टॉल करा जाता है। दोस्तों, इसकी प्राइसिंग वगैरह अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं, ये 9 बल्ब वाला एलईडी हमने लिया था और ये एक पेयर में आता है। दो एलईडी लाइट मिलते हैं आपको, एक स्विच मिलते हैं और दो क्लैंप मिलते हैं, और आपको अपने से जो है वो थोड़े से वायर, चूंकि मैं बाइक का जो इंटरनल वायरिंग है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला हूं, इसको बिल्कुल जो है वो नए और अलग तरीके से मैं आपको फिट करके दिखाने वाला हूं। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग जो है वो बाइक के वायरिंग से छेड़छाड़ करते हैं और फिर उनको बाद में दिक्कत आने लगती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस छोटे से लाइट की वजह से मेरी बाइक की जो वायरिंग है उसमें कोई दिक्कत आए। आपको एक टेप चाहिए और आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये तीनों जो कंपोनेंट है ये आपको जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं, ये तीनों आपको खुद से जो है वो जुगाड़ करने पड़ते हैं, ये तो हमारा टूल ही है। तो चलिए वीडियो को, पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम लोग सीट को निकालते हैं। सीट को किस तरह से लॉक खोला जाता है ये वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे डाल दिया है, आप लोग अगर नए हैं आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एक ये स्क्रू है और एक ये स्क्रू है, दो ही स्क्रू रहते हैं और फिर दो पुश लॉक रहते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से इस साइड पैनल को हटाना है ताकि हम बैटरी से कनेक्शन कर पाए। दोस्तों, तो ये हमने एक स्क्रू निकाल लिया है, अब दूसरे स्क्रू की बारी है। इस तरह से जो है वो बिल्कुल इजीली घर पे ही आप इसको कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल करवाने के लिए फालतू में खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही मात्र एक स्क्रू ही तो लग रहा है और दूसरा कोई बिल्कुल नहीं लग रहा है, बस पुश लॉक को खोलते हैं इस तरह से खींचकर। ये हमारा बैटरी जो है वो एक्सपोज हो गई है, आप देख सकते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल है और एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी आप ध्यान देंगे। और इसके बाद वाली प्रोसेस ये है कि हल्का सा जो है वो इसको लूज करते हैं ताकि हम इसमें वायर फंसा सके। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन आपको जानकारी कंप्लीट मिलने वाली है और आप जो है वो इसे खुद से इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों, अब बारी हम लोगों को एलईडी लाइट कहां पे इंस्टॉल करें वो सोचने की। तो बहुत से लोग जो है वो इस नंबर प्लेट पे भी करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि यहां पे करना चाहिए, और बहुत से लोग जो है वो इस तरफ से करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके नीचे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉकर जब हमारा नीचे जाएगा तो ये हमारा जो है वो क्रश हो जाएगा और इसको भी डैमेज पहुंचा सकता है। इसलिए मैं सबसे सेफ जगह लगाने वाला हूं इस लेग गार्ड पे, इस तरह से कुछ मैं इंस्टॉल करने वाला हूं, इससे लुक भी बाइक की बहुत ज्यादा जो है वो इनहेंस होने वाली है। दोस्तों, लाइट को क्लैंप में फंसाने का आप तरीका देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। इस तरह से आपको जो है वो पहले क्लैंप को फंसाना है और उसमें जो है वो इस तरह से क्लैंप फंसाना है और बस स्क्रू को टाइट कर देना है। आप देखेंगे कि आपका जो है वो एलईडी लाइट बिल्कुल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये प्लेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़े से जो है वो टाइट कर लेते हैं और उसके बाद उसको ऊपर लाना है। दोस्तों, अब हमने जो है वो क्लैंप के सहारे इस लाइट को फिक्स कर दिया है। दोस्तों, अब चलिए हम लोग स्विच को जो है वो हैंडल बार में पहले फिक्स करते हैं। बिल्कुल इजी फिक्सिंग होने वाली है, ये देखिए इसमें भी एक क्लैंप है जो कि नीचे से लगता है और आपको जो है वो स्क्रू के सहारे बस इसको टाइट कर देना है। कुछ सीखने वाली चीज इसमें नहीं है, बस आपको दिखा रहा हूं ताकि आप जब लगाने जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह से ना हो, हर एक जानकारी आपको देना हमारा काम है। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी जो काम रहती है वो आप खुद से किया करो ताकि समय के साथ जो है वो पैसा भी बचे। बहुत से लोग रहते हैं जो कि इन सब कामों को जो है वो इसके लिए भी मैकेनिक के पास जाते हैं, ये मैं नहीं चाहता हूं। बिल्कुल आसान है, ये सभी कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर सभी के घर में रहता भी है और थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा, खाली समय में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना जल्दी हमने जो है वो स्विच को हैंडल बार पे माउंट कर दिया, ये देखिए। दोस्तों, अब हम तार के लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से काफी छोटा तार, लगभग जो है वो 1 फीट से भी कम छोटा तार जो है वो दिया जाता है, जो कि बैटरी तक नहीं पहुंच सकता है, और टेप अच्छे तरीके से मार देंगे ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। दोस्तों, वायरिंग समझ लेते हैं। इसमें जो है वो दो वायर है, एक रेड कलर का है और एक जो है वो ब्लैक कलर का है। रेड कलर है हमने डिसाइड किया है कि इसके हम जो है वो पॉजिटिव में जोड़ेंगे और इसी से स्विच को आपको कनेक्ट करना है ताकि ये जो है वो वायरिंग पॉजिटिव का कनेक्शन काटे, ठीक है। तो जो हमारी एलईडी लाइट्स निकल रही है उसको इस तरफ से जोड़ देते हैं और यहां से फिर जो निकलेगी वो हमारे
जो हमारा बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल में आने वाली है, मैं उसे यहां जोड़ दूंगा, ठीक है। और एक तार जो हमारी ब्लैक वाली है, मैं आपको ब्लैक वाला दिखाना चाहूंगा, जिसे हमने लेंथ बढ़ा दिया था हम लोगों ने, उसको डायरेक्ट जो है वो यहां से निकाल करके और डायरेक्ट जो है वो इसमें लगा देना है। तो निकलना नहीं चाहिए एक दूसरे में, ये तार अगर टच करती है दोस्त तो फिर स्पार्क करती है। और वैसे तो काफी पतला तार है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अच्छे तरीके से लगाना है। आपको करना यह है कि जो प्लेट मिले हुए रहते हैं वाशर, उसके अंदर इसे फिट कर देना है। ये देखिए ये फिट हो चुका है। अब हम जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, हमारे पास रेड वायर नहीं था इसलिए हम लोग पीला वायर का यूज कर रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि आप जो है वो रेड वाले को यहां पे लाए हैं ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत हो तो उसे शॉर्ट आउट किया जा सके। सेम उसी तरह से मैं आपको लगातार वीडियो बिना कट किए इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप हर चीज बारीकी से समझ पाओ कि किस तरह से कनेक्शन होता है। इसे भी ठीक उसी तरह से। अब ट्रायल की बारी है दोस्त, ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्विच हमारा काम कर रहा है और ये इसको जो है की से कोई भी मतलब नहीं है। बाइक में की अगर नहीं भी लगा रहेगा, आप देख सकते हैं यहां पे की नहीं लगा हुआ है, फिर भी आप जो है वो इमरजेंसी में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको वायरिंग समझा देना चाहता हूं। यहां से निकलते हैं दो वायर, एक वायर जो है वो सीधे निगेटिव टर्मिनल में चला जाता है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में, जो एक रेड वाला वायर रहता है उसे हम लोग जो है वो स्विच के साथ एक एंड को स्विच में जोड़ते हैं, और यहां से जो वायर निकलता है उसको ले जाकर के जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारा जो है वो स्विच काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय जवान, जय मैकेनिकल। धन्यवाद दोस्तों।